वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज एग्ज़ाम बहुत टफ आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हम इतना टूट जाएं कि अगला एग्ज़ाम प्रिपेयर करने तक की भी हिम्मत नहीं है। मैं एक सिंपल सी बात बोल देता हूँ बेटा, यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ व्यूअर हैं, एक भी ऐसा नहीं होगा जिसने आज तक फेलियर नहीं देखा। सब ने फेलियर फेस किए हैं अपनी लाइफ की किसी ना किसी स्टेज पर, ठीक है ना। मैं भी ऐसे नहीं बन गया, यहाँ तक पहुँच गया बेटा, मैंने भी बहुत सारे फेलियर फेस किए हैं, ठीक है ना। आप फेलियर फेस कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आज एग्ज़ाम खराब भी हो गया है तो, ठीक है। हम बेटा ऐसे टिप्स बताऊंगा मैं आज कि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम अच्छे से प्रिपेयर भी करोगे, फेस भी करोगे और बहुत अच्छे मार्क्स लाकर पास भी होगे। घबराओ मत। पहला टिप ये है बेटा, मुझे पता है ये आप गलती कर चुके होंगे, आपको बेटा पहला टिप ये है कि डोंट क्राई इन पब्लिक प्लेस और एग्जामिनेशन सेंटर। ये गलती आप कर चुके होंगे और ऑब्वियस भी है कि अगर एग्जाम खत्म खराब हो गया है तो रोना तो आएगा ही, और रो चुके हैं। लेकिन बेटा मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं बेटा, आपके खुद के बेस्ट फ्रेंड सबसे ज्यादा चौंक देंगे आपको। आपके खुद के फ्रेंड्स बेटा 10 बार कॉल करके पूछेंगे एग्जाम कैसा हुआ, जबकि उनको पता होगा कि खराब हुआ है। बेटा उनका सिर्फ एक ही मोटिव है, आपको रेस्टलेस कर देना, आपको फ्रस्ट्रेट कर देना, ठीक है बेटा। सबसे पहला टिप बता रहा हूं, स्टे आउट ऑफ दोज फ्रेंड्स एंड योर बेस्ट फ्रेंड। सबसे ज्यादा परेशान आपको करने वाले हैं वो लोग, ठीक है। दूसरा टिप मैं इसके लिए बताना चाहता हूं, डू समथिंग नाइस टू यू। डू समथिंग विच इज नाइस टू यू। बेटा देखो सिंपल सी बात बता देता हूं, बोर्ड एग्जामिनेशन में ना बहुत कम टाइम है रिकवरी का, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि 3 दिन के बाद हमारा एग्जाम है या 4 दिन के बाद हमारा एग्जाम है, हमें ना रिकवर सेम डे करना है। आप ये मत सोच लेना कि मैं 2-3 दिन लगा लेता हूँ फिर सोचूंगा पढ़ाई को। बेटा सेम डे रिकवर कर जाओ। उसका सिंपल सा तरीका ये है, डू समथिंग विच इज़ नाइस टू यू। आपको आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है ना, हाफ एन आवर लगा कर आओ बेटा, आइसक्रीम खा कर ही आओ आज। बेटा जिम जाना पसंद है ना, 10-15 मिनट के लिए जिम आज चले ही जाओ, चाहे आपने स्किप कर रखी थी। बैडमिंटन खेलना पसंद है ना, 15 मिनट आज बैडमिंटन खेल ही लो। बेटा जल्दी से रिकवर करने की कोशिश करो, वही चीज करो जो आपको पसंद है। अगर 2 घंटे में भी रिकवर हो सकते हो ना तो रिकवर हो जाओ, लेकिन रिकवर सेम डे होना है, ठीक है। थर्ड टिप जो मैं देना चाहता हूं वो है बेटा, एक्सेप्ट योर फेलियर। अगर कोई कमी रह भी गई थी एग्जाम में तो उसको एक्सेप्ट कर लो। बेटा अपने फेलियर को ना एक्सेप्ट करो, रादर देन आप क्या करते हो, बोलना शुरू कर देते हो, सीबीएसई बोर्ड को ब्लेम करना शुरू कर देते हो, या बेटा कई स्टूडेंट तो यहां तक बोल जाते हैं 10 साल का सबसे मुश्किल पेपर था, 5 साल का सबसे मुश्किल पेपर था। देखो एक सिंपल सी बात बताता हूं, आपके फ्रेंड आपको रेस्टलेस या फ्रस्ट्रेट तभी तक कर सकते हैं जब तक आप एक्सक्यूजेस दोगे अपने फेलियर के। बेटा अगर आप एक्सेप्ट करोगे ना चीजों को तो मैं नहीं मानता आपको कोई परेशान कर सकता है। और ये काम सेम डे ही कर देना, क्योंकि मुझे पता है आपके फ्रेंड, आपको अपने फ्रेंड से तो दूर रहना है, लेकिन कई लोग आपका पीछा छोड़ते नहीं है, घर तक भी आ जाते हैं। तो बेटा उनके सामने ना अपने फेलियर को एक्सेप्ट करो, कोई आपको रेस्टलेस या फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकता। एक शॉर्ट सी स्टोरी बताता हूँ इसके रिगार्डिंग। बेटा मैं 10th क्लास में यूपी बोर्ड में था, और मैं अकाउंट्स मेरे पास यूपी बोर्ड में ही 10th क्लास में ही थी, तो बेटा मेरा अकाउंट्स का एग्ज़ाम ठीक ठाक ही हुआ था, बढ़िया हुआ था। लेकिन जब रिजल्ट आया, आई हैव सिक्योर्ड 63 out of 100। मैं बेटा अपने 10th में ही 2 10th के उस स्टूडेंट को पढ़ाया करता था, वो मेरे फ्रेंड थे, उन दोनों के 77 मार्क्स आए, मेरे 63 आए। तो बेटा हमारा एक कॉमन फ्रेंड था, मेरे घर आया और जानकर मेरे को चौंक देने की उसने पूरी कोशिश करी कि जिनको तू पढ़ाता था वो तो 77 मार्क्स ला रहे हैं और तेरे 63 आ रहे हैं। बेटा मैं बहुत अच्छे से क्लियर था कि उसकी इंटेंशन क्या है, वो मेरे को रेस्टलेस करना चाहता था। मैंने उल्टा उसको ये जवाब दिया
कि मैं तो खुद 50 नंबर का पेपर करके आया, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा मेरे को 63 कहां से दे दिए इन्होंने नंबर। वो मुझे रेस्टलेस करने आया था, वो खुद रेस्टलेस हो गया 3 दिन के लिए। उसने सारे हमारे कॉमन फ्रेंड्स को, मेरे सारे कॉमन फ्रेंड को बोल दिया जाकर कि ये तो 50 नंबर का पेपर करके आया था, इसके 63 आ गए। बेटा अगर आप अपना फेलियर एक्सेप्ट करोगे ना, कोई आपको रेस्टलेस नहीं कर सकता, सिंपल सी बात। और नेक्स्ट स्टेप मैं आपको जो देना चाहता हूँ वो है बेटा, इवेल्युएट द टेक्निक यू हैव फॉलोड इन अ प्रीवियस एग्जाम। बेटा आपने प्रीवियस एग्जाम में जो भी टेक्निक फॉलो करी है और जो एग्जाम खराब हो चुका है, उस टेक्निक को इवेल्युएट करो रादर देन ब्लेमिंग सीबीएसई बोर्ड और योर टीचर्स और एनी एग्जामिनर। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है। मान लो बेटा लास्ट एग्जाम में हमने रिटन में प्रैक्टिस नहीं करी, ऑरल तौर पर प्रैक्टिस करते चले गए, तो कहीं ना कहीं बेटा हमारी टेक्निक में भी तो कमी है। हम कहाँ से सीबीएसई को ब्लेम कर दें? बेटा कोशिश करो वो टेक्निक को बदलने की कोशिश करो, जितना हो सके रिटन रिवीजन करो। बेटा ऐसा करना आप ही के लिए ठीक है, रादर देन ब्लेमिंग सीबीएसई। अपने आप को खराब मत करो, अपने आप को सही की तरफ लेकर जाओ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपको देना चाहता हूं बेटा, मीट योर टीचर्स और टॉक टू योर पेरेंट्स। बेटा आज भी हजारों लाखों करोड़ों टीचर यही चाहते हैं कि उनका स्टूडेंट उनसे ज्यादा तरक्की करे। ठीक है, मैं बिल्कुल श्योर हूं बेटा आप सबकी लाइफ में ऐसा एक टीचर जरूर होगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर आज एग्जाम खराब हुआ है, अच्छा नहीं हो पाया, तो बेटा उस टीचर से मिलने की कोशिश करो, अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करो। मैं मानता हूँ बेटा यही दो लोग सबसे प्योर हार्ट के हैं आपके लिए बेटा, और ये आपकी बात को सुनेंगे भी, आपकी बात का सॉल्यूशन भी देंगे, ये अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे कभी ना कभी, क्योंकि उन्होंने भी कभी ना कभी कोई फेलियर फेस किया होगा, उन्होंने कैसे रिकवर करा उसके लिए वो भी आपको बहुत अच्छे टिप दे सकते हैं। बेटा अपने दोस्तों से बात मत करो, उस टीचर से बात करने की कोशिश करो, अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करो, मुझे पक्का पता है वो आपको बहुत कुछ अच्छा सजेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट टिप बेटा अब ये है, रिटेन द सेल्फ कॉन्फिडेंस। बेटा आपको ना जिंदगी के सबसे मुश्किल टाइम में भी अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना। सिंपल सी बात बता देता हूं बेटा, दुनिया आपके ऊपर तभी ट्रस्ट करती है जब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाते हो। अगर आप ये कह दोगे ना दुनिया के सामने कि मेरा तो एक एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, अगला भी नहीं होने वाला, तो बेटा दुनिया भी ट्रस्ट करना छोड़ देगी आपके ऊपर। आप बेटा चलो अगर एक खराब हो गया, मूव ऑन करो, सिंपल सा ये सोचो कि अगला बहुत अच्छा करना है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ बेटा पूरी तरीके से डट जाओ और बहुत अच्छा सा एग्जाम दो। ठीक है, आपको मोस्ट डिफिकल्ट टाइम में अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना है बेटा। आप ऐसी शख्सियत हो जो कुछ भी कर सकती है, सिंपल सा मेरा मानना ही है। तो यही कुछ टिप्स थे जो मैं देना चाहता था आपको। बेटा मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मेरे को ये भी सजेस्ट करो कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। ठीक है, बाय बाय।